नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नेहा और आपका हमारे चैनल डॉक्टर तातेज होम्योपैथी में स्वागत है। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहन विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में शायद ही बहुत लोग बहुत कुछ जानते होंगे। इसका नाम है लाइकन प्लैनस। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ये लाइकन प्लैनस क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, कुछ टिप्स एंड सबसे महत्वपूर्ण कि होम्योपैथी आपकी इसमें कैसे मदद कर सकती है। तो चलिए जानते हैं पहले कि ये लाइकन प्लैनस जो है वो क्या होता है। एक लाइकन प्लैनस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। अब ऑटो इम्यून कंडीशन को समझते हैं, इसका मतलब जब भी कोई बाहरी तत्व हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देती है। लेकिन कुछ बीमारियों में ये हमारी स्वस्थ कोशिकाओं को हमारी इम्यून सिस्टम अपना दुश्मन मान बैठती है और उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देती है। तो ऐसा ही कुछ इस बीमारी में भी होता है, इसलिए ये रोग, ये बीमारी जो है वो अलग, वो बाकी की स्किन की बीमारियों से थोड़ी सी अलग है। ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन वाली त्वचा की बीमारी है। ये बीमारी संसर्गजन्य नहीं है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं फैलती है। ये एक सबसे अच्छी इस बीमारी की बात है। ये इस बीमारी में आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन, आपकी त्वचा, आपकी ओरल कैविटी, म्यूकस मेम्ब्रेन, नाखून, बाल, ये सारी चीज़ें जो है वो ये जो भाग होते हैं ये प्रभावित होते हैं। इसकी व्यापकता के बारे में अगर बात की जाए तो मध्यम उम्र के लोगों में इसकी व्यापकता ज़्यादा दिखाई देती है और इसमें भी महिलाओं का प्रमाण इसमें थोड़ा ज़्यादा देखा जाता है। वैसे तो ये किसी भी उम्र में हो सकती है लेकिन प्रमाण महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है। अब आइए चलिए जानते हैं इसके कारणों के बारे में कि होता क्यों है, ये लाइकन प्लैनस की बीमारियों का कारण क्या है। तो वैसे तो देखा जाए, मैंने शुरू में ही बताया कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, इम्यून सिस्टम में हुए बिगाड़ के कारण ही होता है, तो कोई सटीक कारण इसके लिए नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे बोला जाता है कि अनुवांशिकता, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन या कुछ वायरल इन्फेक्शंस, कुछ दवाइयों के, जैसे कि बहुत लोगों को पेन किलर्स एंड कुछ मेडिसिन अपने आप से बहुत ज़्यादा लेने की आदत होती है, ऐसे लोगों में इस बीमारी के होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, या कुछ बीमारियों के साथ या कुछ बीमारियों के बाद इसका इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। एक हाल ही में एक अनुसंधान हुआ है जर्मन न्यू मेडिसिन्स, इसमें इस अनुसंधान के तहत ऐसे बताया गया है कि जिन भी लोगों को त्वचा के संबंध में कुछ भी अगर बीमारियां होता है तो उनमें ना सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट करके एक चीज़ देखी जाती है। ये क्या होता है कि जैसे कि इसके उदाहरण के तौर पर अगर समझते हैं इसको, जैसे कि डिवोर्स होना, ब्रेकअप होना, या फिर किसी प्रिय इंसान की मृत्यु होना, आपका बहुत ही प्रिय व्यक्ति आपसे दूर होना, ऐसे जैसे कोई भी मानसिक आघात अगर किसी इंसान में होते हैं तो इसके बाद इस बीमारी के चांसेस रहते हैं, इस बीमारी की शुरुआत हो सकती है। इसके बाद चलिए जानते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। लाइकन प्लैनस वैसे तो देखा जाए तो इसके लगभग 13 से 14 प्रकार हैं, जिसमें से जो कॉमन है वो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, वो होता है क्यूटानियस लाइकन प्लैनस जो कि त्वचा के ऊपर दिखाई देता है, ओरल लाइकन प्लैनस जो हमारी ओरल कैविटी में होता है, देन स्कैल्प का एक वल्वो वजाइनल होता है एंड नेल्स में देखा जाता है। और इसके अलावा भी इसके जो प्रकार है, जैसे कि एट्रोफिक होता है, हाइपरट्रोफिक होता है, अल्सरेटिव होता है, देन बल्बस होता है, फेमिंगस होता है, ऐसे और भी इसके कई प्रकार जो है वो देखे जाते हैं। इसमें सबसे कॉमनली जो देखे जाते हैं वो क्यूटानियस एंड ओरल के पेशेंट सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। अब आइए जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। जब भी ये बीमारी त्वचा पे आती है तो इसमें चपटे शीर्ष वाले खुजलीदार उभार हमें दिखाई देते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये गुलाबी लाल रंग के होते हैं तो कुछ में ये बैंगनी कलर के होते हैं, और कुछ पेशेंट में ये दोनों तरीके के दिखाई देते हैं जो कि पूरे स्किन पे, पूरे शरीर पे में पाए जाते हैं। जब ये मुंह में होता है तो ये लेस जैसे अल्सर्स फॉर्म करता है, और ये अल्सर को अगर हमें उपचार ना दे, ट्रीटमेंट ना की जाए, तो इससे ये अल्सर बढ़ के पेशेंट को खान पान में बड़ी दिक्कतें आने लगती हैं। जब ये नाखूनों में होता है तो उसमें नाखूनों में, उंगलियों में दर्द होने लगता है और वो दिखने में भी बहुत ही अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद जब ये स्कैल्प में होता है तो वहाँ की जो चमड़ी होती है वो बहुत ही कड़ी हो जाती है और वहाँ पे एलोपेशिया के पैचेस आने की संभावनाएं हो जाती हैं। जब ये वल्वो वजाइनल या वजाइना में होता है तो संबंध बनाने में और संबंध बनाने के बाद भी काफ़ी देर तक दर्द रह सकता है। आइए अब कुछ टिप्स की तरफ मुड़ते हैं जो करने से आपको राहत मिलेगी। जैसे कि आपको दवाइयों के साथ साथ आपकी हाइजीन के तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, संतुलित आहार लेना है, बहुत अच्छे से प्रॉपर नींद लेना है। ऐसे कुछ फैक्टर्स जो आपको ध्यान में आए हैं जिसके आपके सिम्टम ट्रिगर होते हैं, जैसे कि कोई स्ट्रेस, टेंशन, कोई तनाव, तो आपको उससे दूर रहना है, उसका एनालिसिस करके उसको रिजॉल्व करना है ताकि आपके सिम्टम्स जो है वो बढ़े ना। और सबसे अहम बात जो लास्ट में बोल रही हूँ लेकिन महत्वपूर्ण है, आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना है, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। अब इसके बाद
इस बीमारी का निदान कैसे होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये लाइकेन प्लैनस है? तो जब भी ऊपर दिए गए अगर किसी के कोई भी लक्षण अगर आपको आपके में नज़र आते हैं, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, वो आपके पूरी त्वचा का निरीक्षण करेंगे, परीक्षण करेंगे, और उसके बाद इसका निदान होता है। कुछ बहुत ही कम केसेस में हमें इसकी बायोप्सी करने की ज़रूरत पड़ती है, इसके बाद इसका फाइनल डायग्नोसिस होता है। लेकिन परीक्षण से ही डॉक्टर आपको बता देंगे कि ये लाइकेन प्लैनस है या नहीं है। अब वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसमें कि होम्योपैथी आपको इसमें कैसे मदद कर सकती है। अब होम्योपैथी, जैसे कि कहा जाता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, जो भी सिम्टम्स होते हैं उस सिम्टम्स को हमें सिर्फ मैनेज करना होता है, सिम्टमैटिकली मेडिसिन उसको देनी होती है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। जब होम्योपैथिक मेडिसिन आप लेते हैं तो ये बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म होती है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करती है। इसीलिए जब आप एक होम्योपैथी का कोर्स पूरा ये करते हैं इस बीमारी के लिए, तो ये बीमारी से आप पूरी तरीके से निजात जो है वो पा सकते हैं। अब हम जो क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हैं उसमें हम पेशेंट का पूरा अभ्यास करते हैं, उसकी बीमारी को पूरी तरीके से समझते हैं, उसके तान तनाव को, उसकी परेशानियों को, उसको पहले भी कोई बीमारियां हो गई है क्या, उसके फैमिली में कोई बड़ी बीमारी किसी को हो गई है क्या, उसका पूरे स्वभाव का विवरण का हम अभ्यास करते हैं, और उसके लिए एक सिमिलिमम मेडिसिन का चुनाव करते हैं, और फिर एक विशिष्ट मात्राओं में उनको ये दवाइयाँ जो है वो दी जाती है, जिसके बाद धीरे धीरे उसके जो बाहरी सिम्टम हैं जैसे कि खुजली होना, अल्सर्स जो होते हैं या दर्द जो भी होता है, वो सिम्टम्स जो है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को आंतरिक तौर पर भी बहुत अच्छा महसूस होने लगता है, उसे शांत महसूस होने लगता है, थोड़ा पॉजिटिव चेंजेस उसमें आते हैं, बीमारी से लड़ने की ताकत उसके अंदर से आती है। कुछ पेशेंट में हमने ये भी देखा है कि बहुत दिन तक ये बीमारी चलती है, इसलिए वो थोड़ा एंजाइटी या डिप्रेशन में भी चले जाती है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो ऐसी बीमारियों में, ऐसी जो पेशेंट एंजाइटी और डिप्रेशन में जाते हैं उनको भी इनमें से बाहर निकालती है, और एक बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण इस बीमारी से लड़ने के लिए पैदा करती है। और जैसे जैसे आप दवाइयाँ लेते हो वैसे आप पूरी तरह से इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। इस वीडियो में दी गई अगर जानकारी आपको आपके लिए अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ साझा कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।